हेलो गाइस, ये क्वेश्चन है 6.13 ऑफ चैप्टर 6 इन गुप्ता एंड कपूर। आपके पास बुक हो तो आप ये एग्जाम्पल 6.13 देख सकते हैं। उसमें बोला है सीक्वेंस ऑफ अ बर्नौली ट्रायल। अब आपको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि उसका जो वेरिएबल एक्स होता है, एक्स जो होता है वो टू वैल्यूज ही लेता है, 0 एंड 1। ठीक है, तो ये बर्नौली ट्रायल्स का एक एग्जाम्पल है। इसमें बोला है लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द रन ऑफ ईदर सक्सेस और फेलियर। मतलब x जो है वो रन की लेंथ है, या तो सक्सेस है या तो वो फेलियर है। और फेलियर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ट्रायल, फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड वेरियंस ऑफ x। आपको उसका एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंस निकालना है। तो देखिए, अगर आपने माना कि जो p है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ठीक है, ये आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई। और q जैसे इसका अपोजिट, क्यों मतलब होता है 1 माइनस पी, जो कि प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब यहाँ पे हमारा क्या है, बर्नौली ट्रायल ही की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हमने माना, अगर हमने पहले स्टेप की बात की, मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट हमने ट्राई किया, तो x की वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो x की वैल्यू 1 होने का मतलब है कि पहला जो है हमारा इवेंट, हो सकता है कि हमें फर्स्ट टाइम में सक्सेस मिले या उसके बाद फेलियर मिल जाए, या हो ये भी सकता है कि पहले बार में हमें फेलियर मिले और सेकेंड टाइम में हमें क्या मिल जाए, सक्सेस मिल जाए। तो इन दोनों की ही जो प्रोबेबिलिटीज होंगी वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे एस की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमने लिखी है पी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी लिखी है क्यू। सक्सेस फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्यू, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी। तो यहाँ पे इस तरह से हो सकता है। अब हमने फर्स्ट स्टेप की बात कर ली, अब इसी तरह से अगर हमने सेकेंड अटेम्प्ट की बात करी, तो हो सकता है कि हमको पहले सक्सेस मिले, फिर सक्सेस मिले बट फेलियर हो जाए फिर थर्ड टर्न में। अब ये हो गया। अब हो ये भी सकता है कि हमको क्या करे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में फेलियर मिले, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे एक और बढ़ गया है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फेलियर, सेकेंड अटेम्प्ट में भी फेलियर, फिर थर्ड अटेम्प्ट में हमें क्या मिल जाए, सक्सेस मिल जाए। अब यहां से अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगी, सक्सेस सक्सेस, दैट मीन्स पी स्क्वायर इंटू क्यू, फेलियर फेलियर, क्यू स्क्वायर इंटू पी। अब इसी तरह से अगर आप जनरल वे में जाएंगे, मतलब कि एक्स की वैल्यू आर के लिए, कि अगर आर बार हमने अटेम्प्ट किए हैं या आर बार हमने ट्रायल्स किए हैं, तो आर बार अगर हमने ट्रायल्स किए हैं तो उसमें आप खुद ही बता सकते हैं कि जो हमारी वैल्यूज है एस एस अप टू एस इंटू एफ आर टाइम्स तक ही जा पाएगा। फिर उसके बाद जो है हमारा हो सकता है फेलियर फेलियर, फिर अप टू आर स्टेप तक फेलियर जाके फिर हमें सक्सेस मिल जाए। ठीक है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है हमारी, वो हमारी क्या हो जाएगी, एस है हमारा सक्सेस, सक्सेस जो हमारा हुआ है वो कितने टाइम्स हुआ है, आर टाइम्स, एंड जो फेलियर एक बार है, देन ये सक्सेस, यहाँ पे फेलियर है क्यू, क्यू टू द पावर आर, और सक्सेस एक ही है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी थी, वो वन बार वन टाइम्स लिख दी। अब यहाँ पे अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करके इनका सम हम यहाँ पे लिख लें, अगर इनका हमें सम लिखना है तो मतलब प्रोबेबिलिटी का सम, तो प्रोबेबिलिटी का हम सम यहाँ से ही कर लेते हैं। इस प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन तो नहीं मिल रहा है, बट ये टू टाइम्स हो जाएगा हमारा पी क्यू, यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा पी क्यू, पी प्लस क्यू कॉमन निकाला, और यहाँ से हमारा हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से हमारा दिख तो यही रहा है बट हम इसको अभी यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकालते, इसको हम ऐसे ही रख देंगे। और हमें निकालना क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ एक्स। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन, आर इज गोइंग, आर लिया है ना टोटल हमने, आर इज गोइंग फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट, आर इज गोइंग फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट। तो जो हमारे स्टेप्स हैं वो टोटल आर टाइम्स ही चले हुए हैं, तो हम एक्स की जगह पे आर लिख देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू आर, क्योंकि एक्स और आर जो है वो इक्वल ही है। तो यहां से ये हो सकता है कि समेशन आर इज गोइंग फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट आर, तो आर की ही निकालनी, टोटल आर स्टेप्स ही चले, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आई थी पी टू द पावर आर इंटू क्यू प्लस क्यू टू द पावर आर इंटू पी। सो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं,
ये आर की जो वैल्यू है अप टू वन टू इनफाइनाइट जा रही, वन टू इनफाइनाइट जा रही है। तो यहां से अब देखिए पी एंड क्यू को क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं और समेशन और आर को अंदर हम ऑपरेट करा दें। पी क्यू हमने कॉमन निकाला तो अंदर जो है हमारा समेशन आर इज गोइंग फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट आर डॉट पी आर माइनस वन प्लस समेशन आर इज गोइंग फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट आर इंटू क्यू टू द पावर आर माइनस वन। अब यहां से हम दोनों पे समेशन अलग अलग ऑपरेट करा देते हैं। पी इंटू क्यू बिग ब्रैकेट, अब समेशन जब ऑपरेट कराएंगे वन प्लस टू पी प्लस थ्री पी स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट प्लस इन ब्रैकेट वन प्लस टू क्यू प्लस थ्री क्यू स्क्वायर प्लस अप टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे पी इंटू क्यू, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो फॉर्मूला है ये जो है ये बाइनोमियल सीरीज में वन माइनस पी टू द पावर माइनस टू का फॉर्मूला है। आप चाहें तो इस फॉर्मूला को ओपन करके देख सकते हैं, वन माइनस एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला ना मिले तो आप नेट पे भी इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये फॉर्मूला ही ओपन होकर आएगा। और ये भी फॉर्मूला किसका है, ये है वन माइनस क्यू टू द पावर माइनस टू का फॉर्मूला है। अब वन माइनस पी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, वन माइनस पी की जगह आप लिख सकते हैं क्यू टू द पावर माइनस टू, और इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं पी टू द पावर माइनस टू। अब देखिए ये पी क्यू ऊपर तो न्यूमरेटर में है ही, ये हो जाएगा वन अपॉन क्यू स्क्वायर वन अपॉन पी स्क्वायर, यहाँ से पी क्यू अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनली आपका पी अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी। सो ये हो गया आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब आपको निकालना था वेरियंस ऑफ एक्स, बट वेरियंस ऑफ एक्स का जो प्रोसीजर है फाइंड करने का वो बहुत ही लेंदी है और एग्जाम में आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं कि आप उसको सॉल्व करें। सो इट इज बेटर कि आप इसको लर्न कर लें। तो जो वेरियंस होता है वो होता है पी अपॉन क्यू माइनस क्यू अपॉन पी होल स्क्वायर। मतलब देखिए ये आपने एक्सपेक्टेशन निकाला है, बस इसमें माइनस का साइन लगा है बीच में और ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो जाएगा पी अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी, दैट इज ये हमारा हो गया वेरियंस। तो आपको एक्सपेक्टेशन तो निकाल सकते हैं वो इजी है थोड़ा, बट वेरियंस निकालना बहुत लंबी हो जाएगा, तो आप उसको लर्न कर लीजिएगा।